जनपद अध्यक्ष दापूबाई भील आज जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष अपनी गुहार लेकर पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राघोगढ़ द्वारा उन्हें सामान्य सभा व सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन नहीं करने दिया जा रहा है। वह इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र भी लिख चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इस बैठक के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा इनका अपमान करने के आरोप भी लगाए हैं। वहीं अपमान करने के मामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की गुहार भी लगाई है। अरे भैया, पिछले बार बोला था बैठक करने में, क्यों नहीं? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप 26 जनवरी हो तो आप कहते 25 को, एक दिन पहले आगे कर लो, उसमें कोई दिक्कत है क्या? मैंने भी उस दिन बोला था, दफा में जरा फोन लगाओ, आप चाहे थी आप तारीख बताओ मेरे को, बताइए। अरे भाई, मैंने पिछले बार भी आपसे पूछा था कि आप तारीख बताओ, किस तारीख को चाहे थी आप बताइए, कौन सी तारीख, कौन सी तारीख थी बताइए। आप जिस तारीख को चाहें वो तारीख क्या? अरे बैठक नहीं हो पा रही है मैडम, को फोन से वायना करके हमसे बोले भी नहीं कि हम बैठक लिख दे रहे हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। बैठक में तो तारीख आप तारीख दे दें, हम तारीख टाली आई हूँ। कितने बार टाली? दो बार। फिर आज यहाँ पर क्या निराकरण निकला? यहाँ निराकरण के हम बोल दी हमने कि बैठक हो गया। कलेक्टर साहब को किस बारे में क्या बोला? क्या कलेक्टर साहब ने यह बोली कि हम तुम तारीख बोल दो, हम करवा देंगे। क्या तारीख दी है?